एबीपी न्यूज 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज। यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर, प्रयागराज करसना से मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज करसना से निकाला गया तिरंगा यात्रा की प्रधानाचार्य मदन मोहन शंकर व 16 यूपी बीए बटालियन के कमांडो शिवदत्त मिश्रा के मार्गदर्शन में विद्यालय में रोज की तरह झंडारोहण किया गया और इसके बाद एनसीसी के कैंडिडेट व स्कूली बच्चे एवं विद्यालय के आचार्य गण के साथ तिरंगा यात्रा निकाला गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घर पर तिरंगा लगाएं। इस अभियान का उद्देश्य आमजन के दिलों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के साथ तिरंगे से जुड़ाव को गहरा करना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में लोगों को तिरंगा घर घर लगाने और भारत की आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में इसे फहराने के लिए घर घर तिरंगा विमान शुरू हुआ। तिरंगा यात्रा विद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर करसना तहसील बेला चौराहा साधु कुटी होते हुए विद्यालय प्रांगण में समाप्त हुआ। यह तिरंगा यात्रा करसना क्षेत्र में सबसे बड़ा यात्रा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र व छात्राओं ने हिस्सा लिया और काफी दूरी तक लंबी कतारें लगी रही। बच्चों ने देश के प्रति उमंग और वंदे मातरम राष्ट्रगान के नारों से इकास गुंजा हो उठा। इस अवसर पर राम आशीष मिश्रा, लालचंद पांडे व डॉक्टर आनंद कुमार तिवारी, डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी, ब्रह्मदत्त मिश्रा, शैलेश यादव, ब्रजेश कुमार गेम टीचर, प्रतीक पाठक, राजेश पाठक, गौरव तिवारी, राजेंद्र त्रिवेदी, मनीष शुक्ला एवं विद्यालय कर्मचारी अमृतलाल आदि लोग सम्मिलित हुए। आइए देखें प्रयागराज करसना से लालचंद प्रजापति की खास रिपोर्ट। राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।